हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमेडेक्स। तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइस देखिए, जेईई मेन 2024 का जब रिजल्ट जारी हुआ, तो उसके बाद जो है सो बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया कि मेरा इतने मार्क्स पे जैसे मेरा इतना परसेंटाइल हो रहा है, वहीं जो है इस बच्चे का इतने कम मार्क्स पे भी इतना परसेंटाइल आ जा रहा है। तो ऐसा कैसे हो गया? बच्चों ने डिमांड किया कि आप जो एनटीए से कि आप जो है सो कितने बच्चे अपियर हुए, कौन से शिफ्ट में, कौन कौन से शिफ्ट में कितने बच्चे अपियर हुए, किस डेट को, सारी जो है सो रिलीज कीजिए। तो एनटीए ने भी जो है सो सारी चीज़ें सो आपको रिलीज कर दिया है। तो उन्होंने क्या क्या बताया है इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में इन तक बने रहिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए मैं जे 2024 से रिलेटेड सारी अपडेट टाइम टाइम लेकर के आ रहा हूँ, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम लैप्स के। सो गाइस देखिए, बच्चों का जो क्वेरीज था कि आप जो है सो जेईई मेंस का जितना जो है शिफ्ट वाइज जो है सो बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, कि किसी शिफ्ट में ज़्यादा बच्चे ने एग्जाम दिया इस कारण से परसेंटाइल जो है सो अलग हो गया, किसी में कम दिया इसलिए परसेंटाइल अलग हो गया। तो ये जो है सो बच्चों का डिस्क्रिमिनेशन का जो है सो आरोप लग रहा था एनटीए पर। तो एनटीए जो है सो किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता है, वो जो है सीधे से खारिज करना जानता है। तो देखिए एनटीए ने जो है सो एक ट्वीट, एनटीए का जो ट्विटर हैंडल है वहाँ से जो है सो एक्स, जो अभी ट्विटर एक्स हो गया है, तो वही एक्स पे जो है सो उन्होंने ट्वीट डाला है। इसमें उन्होंने नोटिस दिया है। इस नोटिस में उन्होंने क्लियरली बताया है कि कितने एग्जाम शिफ्ट हुए, कौन कौन से तारीख को, कौन शिफ्ट में कितने बच्चे अपियर हुए, कितने मेल अपियर हुए, कितने फीमेल अपियर हुए। इनफैक्ट इन्होंने 90 to 100% तक की कितने बच्चे स्कोर किए, ये सारी चीज़ जो है सो शिफ्ट वाइज इन्होंने दे रखा है। इसमें सारी शिफ्ट की जो है सो जारी की है, जिसमें शिफ्ट 1 से लेकर के 1-2 यानी कि 27 जनवरी की शिफ्ट 1 से लेकर के और इन्होंने 1 फरवरी की शिफ्ट 2 तक जो है सो सारी बता दी है कि किस शिफ्ट में कितने बच्चे अपियर हुए थे, कितने मेल थे, कितने फीमेल थे। तो ऑन एन एवरेज बोले तो 80,000 के आसपास जो है सो मेल थी और 40,000 के आसपास जो है सो फीमेल थी। एवरेज बोले तो 1,20,000 के आसपास जो है सो टोटल बच्चे हर एक शिफ्ट में अपियर हुए हैं। इसमें जो है सो इन्होंने पूरी 90% to 100% तक की जो है सो कितने बच्चों ने कौन कौन से शिफ्ट में स्कोर किया, ये भी इन्होंने जो है सो यहाँ पे बता दिया है। तो ये सारी जो है सो आपको मैं यहाँ पे आप पॉज करके देख सकते हैं, या जो है सो मैं अपने टेलीग्राम चैनल केमेडेक्स पे डाल दूंगा, तो वहाँ पर भी आप जा करके देख सकते हैं। देखिए 27 जनवरी की जो है सो पहली शिफ्ट हुई थी, उसमें 8 बच्चों ने 100% स्कोर किया था। दूसरी शिफ्ट में जो है सो 1 बच्चे ने किया। 29 जनवरी की पहली शिफ्ट में जो है सो 1 बच्चे ने किया। दूसरी शिफ्ट में 4 बच्चों ने किया। 30 जनवरी की पहली शिफ्ट में जो है 1 बच्चे ने किया 100% स्कोर। 30 जनवरी की दूसरी शिफ्ट में 3 बच्चों ने किया। 31 जनवरी की जो है सो पहली शिफ्ट में 2 बच्चों ने किया 100% स्कोर। दूसरी शिफ्ट में 1 बच्चों ने किया। 1 फरवरी की जो है सो पहली शिफ्ट में 1 बच्चों ने किया और दूसरी शिफ्ट में 1 बच्चे ने जो है सो किया। तो ये सारी जो है सो इन्होंने 100% से लेकर के 90% to 100% की इन्होंने डाटा टोटल जारी कर दिया और टोटल कितने बच्चे अपियर हुए ये भी इन्होंने बता दिया है। तो मेल कैंडिडेट ऑन एन एवरेज जो है 80,000 2-4,000 इधर उधर होता है, उसमें जो है सो इतनी बड़ी एग्जाम है तो कोई ये नहीं है। 40,000 के आसपास जो है सो फीमेल कैंडिडेट थी और टोटल बोले तो हर एक शिफ्ट में जो है सो 1,20,000 जो है के आसपास स्टूडेंट अपियर हुए। 2-4,000 इधर उधर जो है सो होते हैं, चूँकि इतनी बड़ी एग्जाम है तो इतना तो हो ही सकता है। तो इन्होंने देखिए पूरी जो है सो लिस्ट जारी कर दी है, बच्चों का डिमांड था तो उन्होंने बच्चों का डिमांड पूरा कर दिया। तो आप लोग जो है सो बताइए कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।